हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपना सीबीएसई का अकाउंट का सैंपल पेपर। अभी तक दो पार्ट के अंदर हम 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 के संग। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। क्रिशन लिमिटेड इशूड कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टिल डेट ₹8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप। ओके, अभी तक ₹8 कॉल्ड अप किए जा चुके हैं। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 800 शेयर्स एंड 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर शोल्डर हु हेल्ड 500 शेयर्स। ओके, व्हाट विल बी The amount appearing as subscribed but not fully paid up capital in the balance sheet of the company। आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। आपके पास 20 लाख इक्विटी शेयर हैं ₹10 के, जिसमें ₹8 कॉल्ड अप हो चुके हैं। आपके पास सारा पैसा आ चुका है, सिर्फ दो सिचुएशन को छोड़ के। एक 800 शेयर पर ₹4 नहीं आए और दूसरा 500 शेयर पर ₹3 नहीं आए। ये दो चीजें नहीं आई हैं। वो ये पूछ रहे हैं कितना अमाउंट दिखाया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। आपको ये चीज बतानी है। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं और जो बच्चों को क्वेश्चन आता है, जो आगे चलना चाहते हैं वो सॉल्व करें, जब तक हम भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में दे रखा है 800 × 4। ये पैसे नहीं आए, मतलब 3200 यहां नहीं आए। और दूसरा दूसरा क्या है हमारा, 500 × 3 नहीं आया। हाँ है ना, ये दो चीजें नहीं आई, 500 × 3 नहीं आया। कितना होता है हमारा, 1500 होता है। और टोटल लगाओ जरा कितना होता है, 0074 4700 पैसा नहीं आया अभी तक। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, अब आपको बस ये बताना है कि कितना पैसा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आना चाहिए। तो सिंपल, जितना बुलाया है माइनस जितना नहीं आया। आई रिपीट, जितना बुलाया है माइनस जितना नहीं आया, वो आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में। तो मतलब ये 20 लाख शेयर पर, आई रिपीट, 20 लाख शेयर पर ₹8 बुलाए थे। हाँ है ना, बिल्कुल से ₹8 बुलाए थे। तो कितने हो गए हमारे, 1,60,00,000। यहां तक क्लियर? ओके, 1,60,00,000 बुलाए हैं, बस 4700 नहीं आया। तो बस 4700 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितना पैसा आया है। तो 003, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 9 है, फिर आया 5, फिर आया 9, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पे भी कितना आ गया 9, फिर ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 1। तो अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों, जरा कैलकुलेट करोगे, 1,59,95,300 रुपीस। क्लियर हो गया, कितना पैसा नहीं आया, बस आपको ये बताना था। सॉरी, टोटल कितना पैसा आ चुका है, बस आपको ये बताना था। तो हमने क्या किया, टोटल पैसा कितना बुलाया, 20 लाख शेयर पे ₹8 बुलाए हैं। कितने पैसे नहीं आए, 800 पर ₹4 नहीं आया, 500 पर ₹3 नहीं आया, बस टोटल माइनस कर दिया। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। क्लियर? ओके, तो मैं इसको कर रहा हूं रफ और आंसर कर रहा हूं मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पार्ट वन के दो सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, 36, जिसमें से हमको कितने कितने करने थे, 15-15 करने थे। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसमें आप चॉइस में 6 क्वेश्चन छोड़ सकते थे। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी जरा रीड करेंगे, क्या दे रखा है। From the question number 37 to 41 कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 5 क्वेश्चन होते हैं, 37, 38, 39, 40, 41। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 क्वेश्चन की चॉइस है। ये आपको चीज क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 37 and 38 आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। मतलब आपको 2 क्वेश्चन केस बेस्ड सिचुएशन में दे रखे हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर उसी हिसाब से हम केस को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया होगा, एंड हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड
फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड. तो कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू किया है, ये चीज आपको बतानी है. तो चलिए बच्चों अब केस को रीड करते हैं, जिससे हमको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. तो ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट. ओके, कोई दिक्कत नहीं. कंसिडरिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई ग्रोथ इन दिस सेगमेंट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंड फॉर एंड फॉर दिस पर्पस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50 करोड़ इज रिक्वायर्ड. कंपनी को अभी 50 करोड़ रुपए चाहिए. मुद्दे की बात सिर्फ इतनी थी. Directors have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long-term debts and balanced by issue of equity shares. अब बच्चों यहाँ पर मुद्दे की बात समझिए. 50 करोड़ की requirement है और कंपनी के directors ने ये decide किया है कि 20% जो requirement है वो हम long-term debts से करेंगे. तो 50 करोड़ का 20% होता है हमारा 10 करोड़. तो 10 करोड़ हम क्या करने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं एंड बैलेंस बाय शेयर्स. और बैलेंस कितना हो गया 50 करोड़ में से 10 करोड़ अगर लोन के हैं तो 40 करोड़ हम किसे इशू करने वाले हैं. बिल्कुल सही आपने गेस किया, हम इक्विटी शेयर से इशू करने वाले हैं. ओके, आगे क्या दे रखा है. एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. तो जो भी हम शेयर्स इशू करने वाले हैं उनकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, रुपीज 100 होगी. Also considering the market standing of the company, these share would be issued at 20% premium, 25% premium. Director decided to issue the sufficient shares to collect the desired amount including premium. Company 50 करोड़ का पैसा उठाना चाहती है, 10 करोड़ वो लोन से उठाएगी, 40 करोड़ वो इक्विटी शेयर से उठाएगी. शेयर जो वो इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू होगी रुपीज 100 और वो जो शेयर इशू करे जाएंगे वो 25% प्रीमियम पे इशू करे जाएंगे. और कंपनी ने उतने शेयर इशू भी करने का सोच लिया है जिससे हमारे 40 करोड़ आ जाएंगे. यहां तक आपको क्लियर हो गया. ओके, द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड टू पब्लिक एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 2 लाख शेयर्स. तो जितने शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन इशू करी थी उससे 2 लाख ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ भी गई, which were issued letter of regret. और जिनको हमने मना भी कर दिया कि भैया इतना पैसा हमको शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या है, 2 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और बाकी जितने हमने शेयर इशू करे थे उनको उतने शेयर हमने दे दिए. आंसर द बिलो मेंशन क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन. तो सारा का सारा पैसा आपका किस पर आ गया, एप्लीकेशन पर आ गया है. तो आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं बच्चों. पहला क्वेश्चन को बताना है कि एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया और दूसरा आपको बताना है कि कितने इक्विटी शेयर्स आपने इशू करे थे. तो इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे वो तो बच्चों आप 2 मिनट में निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो, आपको 40 करोड़ रुपए चाहिए थे. हाँ या ना, 40 करोड़ कितने होते, 40 के बाद 7 जीरो लगा दो. ओके, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, प्लस प्रीमियम पे भी तो इशू किया हमने, प्लस प्रीमियम पे भी इशू किया, 25 रुपीज का प्रीमियम है. तो जरा बच्चों 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 लाख आएगा. कितना आएगा बच्चों, 32 लाख आएगा. तो मतलब इन शॉर्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर तो फटाफट से मिल गया हमको 32 लाख. यहां तक आपको समझ में आ गया. बस इसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया. अब बात करते हैं टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन, आपके पास टोटल पैसा कितना आया होगा. बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था तो ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर बात करी जाए, हमने 32 लाख शेयर्स को इशू किया था और 2 लाख एप्लीकेशन ज्यादा आई थी. तो इन शॉर्ट हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, 34 लाख की आई. ये आपको चीज क्लियर हो गया. और क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंटायर अमाउंट इज पेबल ऑन व्हाट एप्लीकेशन. तो मतलब पूरा 125 रुपए आपके पास किस पर आ गया होगा, एप्लीकेशन पर आ गया होगा. तो आपको कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, आपको रिसीव हुआ होगा 42 करोड़ 50 लाख. ठीक है बच्चों, मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं इसलिए मैंने आपका टाइम बचा लिया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 42 करोड़ 50 लाख. बच्चों यहां पर अमाउंट कलेक्ट की बात हो रही है, यहां पर एप्लीकेशन मनी की बात नहीं हो रही. टोटल पैसा कितना आया होगा हमारे पास, वो ओवर सब्सक्रिप्शन मिलाकर ही तो आया होगा. बाद में हमने रिजेक्ट किया, उनको पैसा रिफंड किया होगा, बट आया तो हमारे पास पूरे 34 लाख पे था. तो ऑप्शन नंबर ए, 42 करोड़ 50 लाख इज द करेक्ट आंसर, जो कि 34 लाख शेयर्स पर 125 रुपए हमारे पास आ गए होंगे. और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही सिंपल था कि हाँ भाई 32 लाख हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं.
ये आपको चीज क्लियर हो गई। ओके तो चलिए बच्चों अभी जरा इसको करते हैं रफ और बाकी चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41 आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। अब तीन क्वेश्चन है जो आपके किस पर अवेलेबल है, केस बेस पे है, और ध्यान रखना है इन तीनों में से आपको कोई भी एक करना है, क्योंकि क्वेश्चन टोटल पांच थे, कोई भी चार करने थे, ऊपर वाले दो कर लिए, तो यहां पर तो चॉइस का फायदा उठाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 सितंबर 2020 20 स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फर्म इन द नेम ऑफ बी सेफ। 1 सितंबर 2020 को 20 बच्चों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी फॉर सेलिंग सैनिटाइजर ऑन डिजिटल मोड, ऑनलाइन सैनिटाइजर बेच रहे थे। Since they were good friend of each other, they were not having an explicit agreement in place. मतलब agreement नहीं था। All of them agreed to invest 15,000 each as capital. Okay, कोई दिक्कत नहीं। The books were closed on 31st March. बच्चों 1 सितंबर को आपका बिजनेस चालू हुआ और पहला साल आपका 31 मार्च को खत्म हुआ, तो जरा मुझे अब ये बताओगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर पहला था वो कितने महीने का रहा होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल कितने, 7 महीने का आपका रहा होगा। ये आपको चीज क्लियर हो गया, सितंबर 1 सितंबर 31 मार्च आपके कितने महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं। ओके 15,000 सबने लगाए, 20 बच्चों ने स्टार्ट करी थी। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको कुछ केस दे रखा है, मैं जरा देख लेता हूं। हाँ भाई आपको कुछ केस दे रखा है, जरा रीड करेंगे। सेल ऑफ सैनिटाइजर 1,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके 50,000, टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज 2,000 पर मंथ, रेंट टू पार्टनर इज 1,000 पर मंथ, मैनेजर्स कमीशन इज 5,000, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2021 इज 9,000, फिक्स्ड डिपॉजिट मेड ऑन 31st March 2021 वॉज 20,000। ओके कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यह बताना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब बच्चों जरा यहां पर कितनी मजेदार वाली बात है, यहां पर आपसे क्लास 12th का तो कुछ पूछा ही नहीं है, आपसे क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर यहां पर उन्होंने पूछ लिया है। इन्होंने बोला बताओ प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब आपको इन शॉर्ट मिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा रफ कॉलम में, ठीक है, मिनी कॉलम। यहां तक आपको समझ में आ गया, फिर आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। हमको इतना बताया कि हाँ भाई सर सेल कितनी हुई है, 1,20,000 की सेल हुई है। ओके इसमें से पहले हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, कितना आ गया 50,000। तो बच्चों ये कितना आ गया 70,000 आ गया, ठीक है। अब टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, बच्चों ये तो P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, ये तो हम माइनस नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज हम माइनस नहीं करेंगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज, आई रिपीट, जस्ट बिकॉज ये क्या है हमारा एप्रोप्रिएशन है। रेंट टू अ पार्टनर, बच्चों ये चार्ज होता है, रेंट टू अ पार्टनर ये क्या होता है, चार्ज होता है, तो इसको माइनस किया जाएगा कितने से, 12,000 से माइनस किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, तो कितना आ गया ये हमारा 58,000 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 58,000 आ गया। यहां तक क्लियर। इसके बाद हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, मैनेजर्स कमीशन माइनस करने का, मैनेजर्स कमीशन माइनस किया जाता है, तो कितना आ गया 5,000 पर मंथ, तो ये भी माइनस कर देते हैं 5,000 पर मंथ, ये भी हम माइनस कर देते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट से। ओके तो कितना आ गया हमारा 0,003 और 5, 53,000 हमारा आंसर आना चाहिए, बट यहां पर नहीं आ रहा है। अब पता लग गया क्यों नहीं आ रहा है बच्चों, देखो यहां पर मैंने क्या कर दी, एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी, बस आप वो मत कर देना। रेंट टू अ पार्टनर कितना, 1,000 पर मंथ है, हाँ या ना, 1,000 पर मंथ है, बट बिजनेस ही हमारा कितने महीने चला, 7 महीने चला, कितने महीने चला बच्चों, 7 महीने चला, तो रेंट कितना होगा, 7,000 रेंट होगा। आई रिपीट, कितना महीने हमारा बिजनेस चला, 7 महीने चला, तो 7 महीने का रेंट होगा 7,000, तो इस चीज का ध्यान रखना। यह आया हमारा 63,000।
अब इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे 5000 का, तो वो भी माइनस कर दो, कितना आ गया प्रॉफिट 58000 का, क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों जब ये चीज मुझसे गलती हो गई तो आप भी सिली मिस्टेक्स का बचाव करके चलना, ये की इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर 7000 आना था और यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर नहीं आएगा क्योंकि वो पीनल एप्रोप्रिएशन पे जाता है। रेंट टू अ पार्टनर चार्ज होता है, मैनेजर्स कमीशन हमारा चार्ज होता है। यहां तक क्लियर? तो 58000 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर है आपको? ओके तो बच्चों 39 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर ए 58000। क्लियर? ओके अगला सवाल क्या बच्चों जरा रीड करेंगे। सर जी पहले इसको तो मिटा दो, चलो हाँ चलो पहले इसको मिटा देते हैं जो हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? On 31st March, remuneration to a partner will be provided to partner of B safe, but only out of. क्वेश्चन ये बोल रहा है 31st March को जो भी partners को remuneration देंगे वो कहां से देंगे? Profit for the accounting year, reserves, accumulated profit या फिर goodwill? जो ऊपर लिखा था ना 2000 per month हमको remuneration देना partners को, कहां से देंगे? Profit से देंगे, रिजर्व से देंगे, एक्युमुलेटिव प्रॉफिट से देंगे या फिर गुडविल से देंगे? बताइए बच्चों कहां से देंगे? सिंपल सी चीज है, हम प्रॉफिट से देंगे। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो प्रॉफिट निकाला 58000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट जितना होता है हम उतना ही क्या देते हैं? एप्रोप्रिएशन देते हैं, उसी में से देते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ओके तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं और जो आप को सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? ओके अगला सवाल बच्चों क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या जरा रीड करेंगे। ऑन 1st December 2020 वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30000। ओके एंड ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹40,000 टू अ फर्म। 1 दिसंबर को एक किसी पार्टनर ने 30,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई और उसी टाइम पर उसने 40,000 का लोन भी दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट द पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो अब ये बताना है उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आपको याद हो बच्चों हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में हमने देखा था कि देयर वाज नो एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, मतलब कोई भी लिखित में चीज नहीं थी, सिर्फ बातचीत हुई कि चलो पार्टनर है, हाँ वे पार्टनरशिप करते हैं। तो मुझे बताओ जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, फिर जब पार्टनरशिप को डीड कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या IOC देते हैं? नहीं देते। तो इस 30,000 पे कोई इंटरेस्ट पे किया जाएगा? नहीं पे किया जाएगा। क्या इस लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा जरा बच्चों बताओ? यस किया जाएगा। कितने परसेंट किया जाएगा? 6% किया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? हो गई। तो सर 40,000 पर 6% निकालो फटाफट से। तो 40,000 इंटू 6% कितना होता है हमारा? 2400 होता है। लेकिन बच्चों लोन कब दिया था उसने? लोन दिया था उसने 1st December को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए उसने क्या दिया होगा बच्चों? लोन दिया होगा। तो 4/12, तो ये गया 1, ये गया 3, ये गया 1, ये गया 800। तो इंटरेस्ट जो दिया जाएगा हमारे एक पार्टनर को वो कितना दिया जाएगा? ₹800 दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके तो चलो कैलकुलेशन को कर देते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस जरा 800 को टिक लगाते हैं, हमारा आंसर क्लियर। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं है? ओके आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, अब आ गए हैं बच्चों हम पार्ट टू पर, मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर रेशियो वाले चैप्टर वाली किताब पर हम आ चुके हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 42 to 48 अटेम्प्ट एनी 5 questions 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 7 questions में से आपको कोई भी 5 questions करने हैं, मतलब आपको यहाँ पे 2 की choice मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको assertion दे रखा है बच्चों, रीड करेंगे। द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिजॉल्व अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल क्यों निकालते हैं? जिससे हम अपनी ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज कर सके। रीजनिंग क्या है?
It is because the concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of asset and urgency of payment of two liabilities. हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से हम ये निकाल सकते हैं कि लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कितनी अर्जेंसी चाहिए होगी और हमारे पास टोटल कितना पैसा अवेलेबल है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स या फिर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी. हमारा फोकस वर्किंग कैपिटल निकालने का ये होता है कि हम ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज कर पाए और इसलिए करते हैं जिससे हमको पता लग जाए कि हमारे पास टोटल लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स कितने हैं और तो कितनी अर्जेंसी हमको करनी चाहिए. तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी या फिर डी. दोनों चीजें सही है पर रीजन करेक्ट नहीं है. दोनों चीजें सही है और रीजन भी सही है. दोनों चीजें गलत है, असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. और बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मतलब दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है. क्लियर, ओके. अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर आपसे गलती हो सकती है. Which of the following are included in traditional classification of ratios? नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से पुराने तरीके के रेशियोज हैं. ऑप्शन नंबर ए लिक्विडिटी रेशियोज, ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट रेशियो, ऑप्शन नंबर फोर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर फाइव कॉम्पोजिट रेशियो, ऑप्शन नंबर सिक्स सॉल्वेंसी रेशियो. तो आपको छह रेशियो दे रखे हैं, लिक्विडिटी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपोजिट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो. आपको छह रेशियोज दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन से पुराने वाले रेशियोज हैं. 2, 3, 5, 1, 4, 6, 1, 2, 6 या फिर ऑल. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी. पुराने तरीके के रेशियोज कौन से हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. बच्चों अभी तक हमने जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा या जो प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ा या जो सॉल्वेंसी पढ़ा ये सारे मॉडर्न हैं. बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोस, बैलेंस शीट रेशियोस एंड कंपोजिट रेशियोस बच्चों ये है हमारे पुराने तरीके के रेशियो. तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ रेशियोस. ये चीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे ट्रेडिशनल रेशियोज की बात हो रही है, जो हम किताब में पढ़ते हैं वो मॉडर्न रेशियोज. क्लियर, ओके. अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की. क्वेश्चन नंबर 44 क्या है जरा बच्चों रीड करेंगे. विच फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज प्राइमरली मेजर रिस्क. नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से रेशियोज को रिस्क मेजर करा जाता है. सॉल्वेंसी एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एफिशियंसी सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, रिस्क कौन सा मेजर करते हैं, ए बी सी या फिर डी. ए बी सी या फिर डी. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. और करेक्ट आंसर उसका बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कैसे ये बता देता हूँ. लिक्विडिटी में हम ये मेजर करते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है कि नहीं, क्या हम अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिचुएशन गंदी तो नहीं है. सॉल्वेंसी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है. प्रॉफिटेबिलिटी में ये चेक करते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब कुछ मेजर किया जाता है. तो इन तीनों के अंदर हम रिस्क को मेजर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्या ये चीज क्लियर है आपको, ओके. अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की. ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अ रेशियो इज अ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर. लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो. आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज 1:1. डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड. आपको यह बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. बच्चों इस सैंपल पेपर में टाइपिंग एरर बहुत हुई है, ऊपर चार स्टेटमेंट दे रखे हैं बट यहां पे दो दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना.
तो ऊपर दिए गए चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे ही करेक्ट हैं या फिर पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है, या फिर दूसरा और चौथा करेक्ट है? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो अर्थात रेशियो दो नंबर का रिलेशनशिप बताता है, ये बात सही है। लिक्विड रेशियो ऐसे टेस्ट रेशियो कहलाता है, ये भी बात सही है। करंट रेशियो 1:1 है, नहीं बच्चों करंट रेशियो 2:1 होता है, तो मतलब ये चीज क्या है आपकी गलत है। और डेट इक्विटी रेशियो आपका आउटसाइड द फंड और शेयर होल्डर फंड की रिलेशनशिप बताता है, ये भी बात सही है। तो मतलब 1, 2 and 4 आर करेक्ट सिचुएशन। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1st, 2nd and 4th आर करेक्ट। लॉजिक क्लियर हो गया आपको, करंट रेशियो हमारा 2:1 आइडियल होता है, लिक्विड रेशियो हमारा आइडियल 1:1 होता है। ओके बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने एक्चुअल में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस? वर्टिकल एनालिसिस मतलब ऐसी वाली एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए रेशियो एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी कंपैरेटिव एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी कॉमन साइज एनालिसिस। तो बताइए कौन सा जो टूल है वो वर्टिकल एनालिसिस के लिए है? ओनली 3, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 3। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट का ही तो नाम हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है, है ना बच्चे, ये तो यही बोलते हैं। बट बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप यहां तक तो सही हो, क्या यहां तक पूरा सही हो? नहीं बच्चों, यहां पर आप आधे सही हो। रेशियो एनालिसिस भी तो आता है हमारे वर्टिकल एनालिसिस में। सर कैसे आता है बच्चों? पूरा रेशियो चैप्टर ही वर्टिकल एनालिसिस पे अवेलेबल है, आपको एक साल के स्टेट दिए जाते हैं और उसी में आप करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, आपके डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट अपॉन सेल्स, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, वो वर्टिकल एनालिसिस ही तो होती है। एक ही ईयर के तो स्टेट दे रखे होते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो मतलब 1st and 3rd आर करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ और जरा रीड करेंगे कि क्या दे रखा है। ओ माय गॉड, पहली बार मैच द कॉलम आया है, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द हेडिंग एंड सब हेडिंग एज डिफाइंड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके जरा रीड करते हैं क्या दे रखा है। लूज टूल्स, पेटेंट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, डिबेंचर्स, मशीनरी, इंटेंजिबल असेट्स, अदर करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इन्वेंट्रीज और टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैच द कॉलम करना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कि कहाँ कब कैसे आएगा। चलो बच्चों डिस्कस करें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मशीनरी कहाँ आता है, जरा बताओ बच्चों मशीनरी कहाँ आता है। चलो सबसे सिंपल चालू करते हैं, डिबेंचर्स। अरे पेन का है? हमारा पेन लाइए कंप्यूटर जी, आ गया पेन आ गया। तो बताओ बच्चों डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे? सर डिबेंचर होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बच्चों बचपन याद आ रहा है मार्क करने वाला? ठीक है, तो डिबेंचर होता है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो 4 का सी होना चाहिए, कंफर्म? ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो 4 का सी किसमें है? 1 और 2 में है। तो मतलब हमने पहले ही आंसर को क्या कर लिया, छटाई कर ली। ठीक है, हमारा आंसर जो अब आने वाला है वो ए और बी से आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, तो मतलब हमारा 1st और 2nd से ही आंसर होगा। ठीक है, अब जरा बताओ बच्चों कि हमारे जो पेटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेटेंट्स होते हैं हमारे इंटेंजिबल असेट। तो जरा क्या दे रखो, पेटेंट्स कहाँ दे रखा है? 2 का ए, इंटेंजिबल असेट, अदर करंट असेट नहीं होते, इन्वेंट्रीज नहीं होती, फिक्स असेट नहीं होती। तो पेटेंट्स होते हैं हमारे इंटेंजिबल फिक्स असेट। यहां तक आपको समझ में आ गया? 2 का ए किधर है? 2 का ए इधर है, 2 का इधर है, 4 का सी इधर है। तो बच्चों आपको पता लग चुका है कि आपका आंसर अब क्या आने वाला है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, हमने 2 से डीकोड करके आंसर निकाल लिया, बट बाकी भी कर लेते हैं। लूज टूल्स कहाँ जाती हैं बच्चों? हमारी इन्वेंट्रीज में जाती हैं। आई रिपीट, लूज टूल्स कहाँ जाती हैं? हमारी इन्वेंट्रीज का पार्ट होती हैं। तो 1st का D हो गया हमारा। ओके, ये भी सही है। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होते हैं हमारे? बताओ बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होते हैं हमारे? अदर करंट असेट्स होते हैं। और मशीनरी हमारा टेंजिबल फिक्स्ड असेट। क्लियर?
इतना जानने की वैसे तो खैर डिटेल में जरूरत नहीं थी, आपने दो से ही डिकोड कर लिया। हमने पहले देखा डिबेंचर, क्योंकि हमको पता है डिबेंचर बोरिंग्स होती है तो डिबेंचर को बोरिंग से टिक लगा दिया। पेटेंट हमको बचा इंटेंजिबल होता है तो इंटेंजिबल पर टिक लगा दिया। फिर हमने देखा कि हाँ भी कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ये वाला हो रहा था, तो मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इस बच्चों जरा इसको मैं रफ कर देता हूँ, और करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ई। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 48, विच रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। आपको ये बताना है कि कौन सा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी हमारे पास टोटल एसेट्स हैं उसमें मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है। आपको ये बताना है, डेट इक्विटी रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, या फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको क्या बताना है कि टोटल एसेट जितने भी हमारे पास हैं आउट, उसमें से मालिकों का पैसा उसमें कितना लगा हुआ है। ये कैसे पता लगता है? डेट इक्विटी से लगता है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो से लगता है, प्रोप्राइटरी रेशियो से लगता है, या फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो से लगता है। बताइए बच्चों से करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉर्मूला याद होगा तो पता लग जाएगा। अच्छा बच्चों, यहां से एक चीज समझ में आ रही है मेरे को। अब रेशियोस का फॉर्मूला रटने से भी काम नहीं चलने वाला, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला निकाला क्यों जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हम क्या निकाल रहे हैं कि असेट्स शेयर होल्डर्स फंड से कितने खरीदे गए हैं, है ना। बट आप क्या करते हो, सिर्फ फॉर्मूला रटते हो, कैलकुलेट करते हो कैसे कैलकुलेट करना है और निकाल देते हो, लेकिन आप ये तो कैलकुलेट करते ही नहीं हो, या ये तो आप पढ़ते ही नहीं हो कि ये रेशियो निकाल किस पर्पस के लिए रहे हैं। कोई पूछता है कि हाँ भाई बताओ डेट इक्विटी क्यों निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्यों निकालते हैं, कुछ रेशियो से पता होते हैं आपको? आप बताओ हम एवरेज क्या कहते हैं हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्यों निकालते हैं। आधे बच्चे बता पाते हैं, आधे बच्चे नहीं बता पाते, निकालते क्यों है। फॉर्मूला सबको पता है बट ये नहीं पता कि निकालते क्यों है। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज क्यों करी जा रही है, उसका सबूत है ये क्वेश्चन। आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा, आपसे पूछा कि कौन से रेशियो में ये चीज करी जाती है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी में, और सेक्शन नंबर बी क्वेश्चन मैंने कितने दे रखे हैं, 49 से 55। अब हम अपने आ चुके हैं आखिरी पड़ाव पर, मतलब आपको सात क्वेश्चन दे रखे हैं, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। सात क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको कोई भी छह करने, मतलब आपके पास अब एक की चॉइस है, और 55 होते ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सैंपल पेपर। सवाल क्या है, इफ टोटल सेल इज 2,50,000 टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स is 25% of credit sales. Okay, the amount of credit sales will be, बच्चो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे accounts का तो कोई रोल है ही नहीं। क्या बोला जा रहा है, टोटल सेल 2.5 लाख है, क्रेडिट सेल 25% है कैश सेल्स की, ठीक है। आपको निकालनी है क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी। अब जरा ऑप्शन देखते हैं, 50,000, 2.5 लाख, 16,000, या फिर 3 लाख। अब जरा बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं लगाने वाले, क्या बच्चों बताओ क्या आंसर मेरा 3 लाख आने वाला है? क्रेडिट सेल का क्या मेरा आंसर 3 लाख आना चाहिए? भाई और बहनों बताइए, 3 लाख आना चाहिए कि आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल सेल ही 2.5 लाख की हुई है, तो क्रेडिट सेल क्या हमारी 3 लाख की हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके, क्या बी आंसर हमारा आना चाहिए, 2.5 लाख हमारा आंसर आना चाहिए? ये भी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख तो टोटल सेल है, और सेम ही ये क्रेडिट सेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि कैश सेल्स का 25% हमारी क्रेडिट सेल है। यहां तक आपको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। तो मतलब हमारा आंसर जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी में से है, बस हमको वो ही निकालना है। तो मान के चलते बच्चों टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। टोटल सेल कितनी हमारी 2.5 लाख की है, कैश सेल कितनी हुई है पता नहीं सर, तो क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और क्रेडिट सेल कितनी हमारी, एक्स का 25%, तो एक्स का 25% निकाल लिया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो,
हमारा आंसर आने वाला है जल्दी। तो 2.5 लाख प्लस एक्स बाय फोर, ठीक है। आगे सॉल्व, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं बच्चों जगह की कमी होने के कारण। तो 2.5 लाख इक्वल्स टू 5x/4, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 लाख आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 लाख आ गई। बट 2 लाख क्या है, कैश सेल है, और कैश सेल का 25% कितना हो गया हमारा, 50,000। तो बच्चों 50,000 क्या हो जाएगी हमारी, कैश सेल या क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हो जाएगी। क्लियर या नहीं आया समझ में? 2 लाख जो एक्स की वैल्यू आई है बच्चों, वो हमारी कैश सेल्स, और हमको निकालनी थी क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल क्या है, 25% ऑफ कैश सेल्स। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 50,000। यहाँ पे 50,000 देखते हुए ना गब्बर याद आ जाता है, अरे यो सांबर, कितने आदमी थे, नहीं भैया क्या था, नहीं डायलॉग ये कुछ नहीं और था, अरे यो सांबर, सरकार कितना इनाम रखी हम पर, सरकार पूरे 50,000। तो पूरे 50,000 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। तो रफ करते हैं अपनी ड्रॉइंग को, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, तो बस हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया बच्चों, 50,000 हो गया। और जिन बच्चों की गणित कमजोर है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन की चॉइस है। अच्छा एक सवाल, ओ माय गॉड, एक और मैथमेटिक्स वाला सवाल बच्चों, जरा देखते हैं क्या दे रखा है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 times, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 times है, एंड द सेल प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है, तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, और जिनका कैलकुलेशन तेज है वो चालू हो जाए। तो बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए मेरे को। सर फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या ये फॉर्मूला पता था बच्चों आपको? हाँ सर पता था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है हमारा, 6 times है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री पता है हमको, पता है 80,000 की। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, तो सर आप मुझको बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन कितना आ गया, 6 × 80,000 कितना आ गया हमारा, 4,80,000 हो गया। हाँ या ना, कितना हो गया हमारा, 4,80,000 हो गया। यहां तक कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं बता। हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या दे रखा है, 25% ऑन कॉस्ट। तो बस निकाल दो 4,80,000 का 25% निकाल दो, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, सिंपल। ये गया 1 time, ये गया 4 times, ये गया 1 time, ये गया हमारा 1,20,000। बच्चों प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट निकाल दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट कोई परेशानी कोई दिक्कत, किसी ने डांटा किसी ने धमकाया, नहीं ना, तो बस 1,20,000 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये कैसे सॉल्व हुआ मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला होता है। बट क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि कॉस्ट का 25% है, तो अब अगर आप कॉस्ट निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए हमने क्या, हमको क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो हमको इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो वहां से हमने कॉस्ट निकाल ली, तो कॉस्ट का 25% कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं है तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं और अपने आंसर को टिक लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 1,30,000 पक्का। कोई डाउट कोई परेशानी नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, अब बच्चों 5 questions बचे हैं आज के सेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या जरा रीड करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नीचे दिए गए ऑप्शन कौन से गलत हैं आपको ये बताना है। When all the comparative figures in a balance sheet are stated as a percentage of total, it is termed as horizontal analysis. Comparative figures में जब balance sheet percentage का total लगे होते हैं, total का percentage होता है, ध्यान रखना किसका लिखा हुआ है, total का percentage होता है, तो उसे horizontal analysis बोलते हैं, okay?
When financial statement of several year are analyzed, it is termed as vertical analysis. Okay, vertical analysis is also known as time series analysis. Okay, तो आपको ये बताना है कि कौन सा statement इनमें से कौन सा गलत है. A भी गलत है, A C गलत है, B C गलत है, या फिर तीनों ही गलत है. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, A B C या फिर D, A B C या फिर D. जल्दी से बताइए, जल्दी से A B C या फिर D. सोचने के समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. तो जब तक हम तो डिस्कस कर ही लें बच्चों. यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, तीनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं. कंपैरेटिव के अंदर कभी भी परसेंटेज का टोटल नहीं लिया जाता. क्या लिया जाता है, कॉमन साइज में लिया जाता है. आया ना, कॉमन साइज में लिया जाता है. कंपैरेटिव में हमेशा क्या लिया जाता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. समझ रहे हो, परसेंटेज ऑफ टोटल किसमें लिया जाता है, कॉमन साइज में लिया जाता है बच्चों, कॉमन साइज में. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया. तो पहला स्टेटमेंट गलत. और जब हम बहुत सारे सेवरल ईयर्स का एनालिसिस करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाई जाती है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल. कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पर सेवरल ईयर्स का, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होती है, तो वर्टिकल एनालिसिस नहीं होगा, ये भी गलत है. और वर्टिकल एनालिसिस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं. नो, वर्टिकल सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही साल की एनालिसिस करी जाती है, तो टाइम सीरीज कहां से हो गई, टाइम मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स. तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे. तो हमारा डी आंसर होगा कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है. क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए फटाफट से. कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो 1 से लेकर 55 तक में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में फ्रीली बताइए. आपको हर एक क्वेरी का, हर एक कमेंट का पॉसिबली रिप्लाई किया जाएगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा बच्चों, जरा रीड करेंगे. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल एज रीजन. असर्शन क्या बोल रहा है, Increasing the value of closing inventory increases the profits. Okay. Increasing the value of closing inventory reduces cost of goods sold. In the context of the above two statements, which of the following is correct? Both A and R are correct, and R is the correct reason of A. Both A and R are correct, but R is not the correct reason of A. Only R is correct and both A and R are wrong. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या हुआ, A, B, C या फिर D? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. और करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन गलत होता है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A. Both A and R are correct and R is the correct reason of A. अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने से जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सर कैसे हो जाती है, सबूत चाहिए हमको, तो सबूत बताते हैं बच्चों. जरा एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है हमारा सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई हो तो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस चीज को इंक्रीज कर देता हूं तो बड़ी चीज माइनस करी जाएगी, बड़ा अमाउंट माइनस किया जाएगा, और जब बड़ा अमाउंट माइनस किया जाएगा तो आंसर भी तो छोटा आएगा, आंसर भी तो छोटा आएगा. हाँ या ना, अगर 100 में से मैं 20 माइनस करता हूं तो आंसर 80 आता है, और ये 100 में से अगर मैं 40 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर 60 आता है. तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर मैं 20 से 40 कर देता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ 60 रह जाता है. हाँ या ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. हाँ या ना, बिल्कुल सही. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, Both A and R are correct and R is the correct reason of A. Clear है, कोई दिक्कत? Okay. इसको करते हैं हम रफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर. क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, एक और assertion reasoning वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना. हाँ, एक और assertion reasoning वाला क्वेश्चन है. Given below are the two statements, one labeled assertion and other labeled reason.
अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स फेवरेबल पोजीशन. अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो हाई है तो मतलब आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, फेवरेबल है. और दूसरा रीजन क्या है, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मतलब आपका ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा होता है तो उससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, जिससे आप अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो. वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ है ना, ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन ए. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट एंड डी. ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी. ए बी सी या फिर डी. एक हाई ऑपरेटिंग रेशियो अच्छी सिचुएशन है, और हाई ऑपरेटिंग रेशियो होने से आपका मार्जिन बढ़ जाता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिससे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो, मीट कर सकते हो, पे कर सकते हो. बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी. सोचो समझो कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, फिर बताओ कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर हाई हो तो फायदेमंद है कि नुकसानमंद है, फिर उससे आपको लिंक बैठेगा, ठीक है. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, जिन्होंने अभी तक सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो वीडियो पॉज करके सोचना चाहते हो तो सोच लो. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लगी है हमारी, बिजनेस को चलाने का कितना खर्चा हो रहा है परसेंटेज, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो. तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो होगा इसका मतलब है उतना ही ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए. हाई ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स देयर इज अ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एंड दिस इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन. समझ रहे हो, जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो होगा उसका मतलब उतनी ज्यादा हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, ये अनफेवरेबल सिचुएशन है. और दूसरा, क्या हाई ऑपरेटिंग रेशियो होने से मार्जिन ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, कम बचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा, और जितना कम प्रॉफिट होगा हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छे से मेट नहीं कर पाएंगे. तो ये दोनों ही बातें गलत दे रखी है, ये दोनों ही बातें गलत दे रखी है. तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट. और इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे एक कंक्लूजन निकला है कि रेशियोज में आपसे मजे लिए जाएंगे. यहां पर रेशियो की एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछा, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोप्राइटरी रेशियो वाला क्वेश्चन देखा था कि टोटल असेट में कितना पैसा प्रोप्राइटर का लगा हुआ है, ओनर का लगा हुआ है, वो बताइए. तो यहां पर आपसे लॉजिक पूछे गए हैं, और जरा ये देख रहे हो वर्टिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन कितना टफ पूछा ये, क्योंकि बच्चा इस चैप्टर को छोड़ के जाता है, वो सिर्फ परसेंटेज निकालना सीखता और काम खत्म हो जाता उसका. लेकिन नहीं, इस बार थ्योरी पूछी जाएगी और अंदर तक पूछी जाएगी. ये आपको चीज समझ में आ रही है, और जरा ये तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी, मतलब रेशियोज में आपसे जो सवाल पूछे जाने वाले ना बच्चों, समझ लो अगर आपके कॉन्सेप्ट हल्के से भी ढीले हैं, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th के हो, 40 में से 40 लाने में मुश्किल पड़ जाएगी. इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. समझ रहे हो आप कि कितनी गहराई में रेशियो वाला चैप्टर समझना, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है कि बस आंसर मैच हुआ काम खत्म. ये चीज क्यों करी जा रही है, इसका असर क्या पड़ता है, वो भी पता करना पड़ेगा. टर्म वन में एमसीक्यू का मतलब यही है कि वो आपसे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे भैया तूने दिमाग कितना मारा है चैप्टरों में. समझ रहे हो इस चीज को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, अगला सवाल क्या है, जरा रीड करेंगे. ओहो, अगला क्वेश्चन तो और भी प्यार है. करंट रेशियो ऑफ आधार लिमिट इज 2.5:1. अकाउंटेंट वॉन्ट्स टू मेंटेन एट 2:1. आपका करंट रेशियो 2.5:1 है, बट जो हमारे अकाउंटेंट भैया हैं वो चाहते हैं कि इसको 2:1 कर दिया जाए. अब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं. ही कैन रीपे बिल्स पेबल, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. कि ऊपर दिए गए तीन ऑप्शन में से कौन सी चीज सही होगी जिससे हमारा जो करंट रेशियो है वो 2.5:1 से किस पर आ जाए, 2:1 पर आ जाए. तो बताइए क्या होना चाहिए. ही कैन रीपे बिल्स पेबल, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही कैन टेक अ शॉर्ट टर्म लोन,
आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ओनली वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, वन एंड थ्री इज करेक्ट, या फिर टू एंड थ्री इज करेक्ट। बताइए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजिली करेक्ट नहीं होगा, इजिली करेक्ट नहीं होगा। बताओ बच्चों क्या किया जाए कि हमारा जो करंट रेशियो है वो 2.5:1 से 2:1 पर आ जाए। आपके पास तीन ऑप्शन है, बताइए कैसे होगा, कब होगा, बताओ ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ बच्चों कैसे किया जाना चाहिए, डिस्कस करें। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों करंट रेशियो पर 2.5:1 है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं हमारे जो करंट असेट्स हैं वो कितने 2.5 लाख के हैं, अज्यूम कर लिया बच्चों मैंने बस, और जो हमारे करंट लायबिलिटीज हैं वो कितने की हैं, 1 लाख की हैं। ठीक है, ये चीज बच्चों हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। अगर क्वेश्चन कह रहा है ही कैन रीपे बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी भी होती है और हमारा करंट असेट भी होगा, मतलब बिल्स पेबल हम पे कर देंगे तो बिल्स पेबल से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी और जो हमारे करंट असेट है कैश वो भी कम हो जाएगा। क्या ये चीज आपको पता है? पता है। तो इस करने से क्या होगा, मैं ऊपर से क्या अमाउंट माइनस करूं कि मेरा 2:1 आ जाए, इसमें से मैं क्या माइनस करूं एक्स, और इसमें से भी क्या माइनस करूं एक्स कि मेरा आंसर 2/1 आ जाए। करें कोशिश करें, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोशिश करके देखें, नहीं करके देखें बताओ कितना आंसर आना चाहिए कि क्या माइनस करें हमारा आंसर आ जाए। तो 2.5 लाख माइनस एक्स, इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 2 लाख माइनस 2x। तो कितना आ गया हमारा, 2:1 लाना ना, 2.5 लाख, 2.5 लाख ना, 2.5 लाख एक करा के, तो इसमें से भी x जाएगा, इसमें से भी x जाएगा, तो 2:1 हमको करना है। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है बच्चों, हम ये चेक कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख माइनस x होगा, ये कितना होगा 2 लाख माइनस 2x, तो इधर आ जाएगा हमारा x और इधर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 50,000। तो बच्चों ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, एक्स का अमाउंट हमारा माइनस नहीं आ सकता, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक्स माइनस माइनस का 50,000 बिल्स पेबल थोड़ी ना माइनस करेंगे, तो माइनस की चीज तो हो ही नहीं सकती, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर आप मेंटली कैलकुलेट करोगे तो तंग आ जाओगे आप। ठीक है, इसको रफ करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा इनकरेक्ट। दूसरा जरा बच्चों क्या बोला जा रहा है, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बच्चों मुझे एक बताओ, हमारा अभी करंट जो रेशियो है वो कितना है, 2.5 लाख/1 लाख है, हाँ है ना, ये हमने वैल्यू अज्यूम करी थी। अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, होती है। क्या हमारा करंट असेट इंक्रीज होता है, होता है। तो जरा देखो बच्चों क्या अब हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब ये चीज पॉसिबल है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2.5 लाख/+एक्स, और ये कितना हो गया हमारा, 2 लाख/+2x, हाँ है ना। तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो कितना आ गया हमारा, 50,000 = x, 50,000 = x। मतलब अगर हम 50,000 के गुड्स को उधार पे खरीद लें तो हमारा करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीद लेते हैं तो हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे 3 लाख के, और हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, 1.5 लाख की, हमारा आंसर 2:1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो आंसर अगर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये चीज पॉसिबल है, बस हमको अब थर्ड और करेक्ट करना है। जरा देख रहे हो बच्चों कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, इजिली। तो ये कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, और आपके पास टाइम बचा है तो करो, बिल्कुल करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, चलो बच्चों थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। तो बच्चों
बात करते हैं 2.5 लाख अपॉन 1 लाख हमारा क्या चल रहा है, करंट रेशियो चल रहा है, जैसे कि हमने वैल्यू एज्यूम करी थी। अगर बच्चों हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, हमको कितना मेंटेन करना है, 2:1 मेंटेन करना है। अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो पैसा आएगा हमारे पास, आएगा पैसा आएगा तो करंट एसेट भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और साथ साथ हमारी करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे फिर हमारा एक्स की वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, आया ना। तो मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 से भी हमारा पॉसिबल है कि करंट रेशियो 2.5 से 2 पर ला सकते हैं और लोन से भी हो सकता है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या ये लॉजिक क्लियर है आपको? हाँ ना, मैं बता दो फटाफट से, हाँ ना मैं बता दो, क्लियर। अच्छा बच्चों, अब आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा, सर आपने क्या कैलकुलेशन करी, कैसे करी, जरा वो समझा दो। चलो पहले बच्चों मैं काम करता हूं, आंसर को मार्क कर देता हूं। आंसर हमारा डी है, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। ये कैसे किया ये समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि आपका करंट रेशियो 2.5:1 है, ठीक है, आपको इसको 2:1 में मेंटेन करना है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये करो ये करो ये करो, कैसे करो। तो बच्चों ऐसे सोचने में है ना आपका 15-20 मिनट का टाइम लग जाएगा, अगर आप सिर्फ यही सोचने पर आओगे अरे ये किया तो ऐसे होगा, वो किया तो ऐसे होगा। तो इसको सिंपल करने का तरीका क्या है, आप लिखो कि करंट रेशियो हमारा कितना है 2.5 लाख, 2.5 को मैंने 2.5 लाख ले लिया और 1 को मैंने 1 लाख ले लिया, क्योंकि अगर मैं 2.5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूं तो मेरा 2.5:1 ही आता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है इसमें, कुछ मेरे को प्लस माइनस करना है सिचुएशन के हिसाब से कि मेरा आंसर जो है वो 2:1 आ जाए। तो मैंने पहली सिचुएशन को देखा, बिल्स पेबल को रीपे करना है, तो अगर मैं बिल्स पेबल को रीपे करता हूं तो मेरी करंट लायबिलिटी कम होती है, होती है। क्या मेरा कैश कम होता है, होता है। तो अगर मैं बिल्स पेबल कम कर रहा हूं तो मेरी करंट लायबिलिटी कम होगी और उतने ही अमाउंट से मेरा कैश कम होगा। अगर ये आंसर मेरा पॉजिटिव में आ जाता है तो मतलब हाँ ये चीज पॉसिबल है करना। बट मेरा आंसर यहां पर आ रहा था x = -50,000, तो -50,000 की कोई लायबिलिटी पॉसिबल है नहीं, तो हमने कह दिया कि हाँ भाई ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि हाँ भाई क्या हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करें तो क्या हमारी करंट रेशियो जो है 2.5:1 पर आ सकता है। तो हमने क्या किया, जब हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करेंगे तो हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे, उसी के हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन करके हमारा 2.1 आ सकता है? अगर आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो पॉसिबल है। तुम्हारा एक्स का आंसर आ गया 50,000, तो मतलब हाँ अगर हम 50,000 की गुड्स खरीदते हैं तो पॉसिबल है। अगर ये चीज नेगेटिव में आ जाती तो हम बोल देते नहीं, गुड्स कभी माइनस के थोड़ी ना हो जाएंगे। या कोई चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज हमारे लिए पॉसिबल थी क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ गया। थर्ड, लोन ले लिया, लोन लेंगे तो कैश बढ़ेगा तो करंट एसेट इंक्रीज हो गए, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है, तो सेम यही चीज पॉसिबल होगी। तो हमने ऐसे शॉर्टकट तरीका अपना लिया। अगर आप ये सोचने में टाइम लगा दोगे तो टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन आंसर सही आएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। इस चीज पर आपको ध्यान रखना है, क्लियर? ओके, इसको करते हैं रफ और बच्चों बढ़ते हैं हम अपने आज के इस सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं ना 16 प्रश्न या 17वां प्रश्न 7 करोड़ के लिए, तो 7 करोड़ वाला प्रश्न आपके सामने। A company has an operating cycle of 8 months. 8 महीने की आपकी operating cycle है. It has account receivable amounting to ₹1 lakh, out of which 60,000 have a maturity period of 11 months. How would this information be presented in the balance sheet? 40,000 as current assets and 60,000 as non-current assets. 60,000 as current assets and 40,000 as non-current assets. 1 lakh as non-current assets. 1 lakh as current assets. बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? अगर आपने पहला वाला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी अच्छे से पढ़ रखा है, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड कर रखे हैं, आपने करंट एसेट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से रीड कर रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर लोगे, अगर आपने उसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ रखे हैं तो। अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो कुछ गलती करोगे और आंसर को डुबा दोगे। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 40 करंट 60 नॉट करंट,
60 करंट 40 नॉन करंट, पूरे 1 लाख नॉन करंट या पूरे 1 लाख करंट, बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख पूरे ही करंट एसेट्स में दिखाए जाएंगे, ठीक है, पूरे ही करंट एसेट्स हमारे 1 लाख के दिखाए जाएंगे। इसके पीछे का जरा लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है बच्चों। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा है। लॉजिक ये है कि अगर 12 महीने के अंदर का कोई भी एसेट है, आई रिपीट 12 महीने के अंदर का कोई भी एसेट है तो वो करंट एसेट कहलाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया? इन्होंने क्या बोला है, हमारे अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ही क्या होता है, हमारे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जिनका हमारा क्या होता है 1 साल के अंदर नॉर्मली होते हैं। और उन्होंने बोल रहा है कि इनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 8 महीने है, और जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल उनकी मैच्योरिटी कितनी है 11 महीने। तो जो भी चीज 12 महीने के अंदर है तो वो क्या है, हमारा करंट एसेट। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की हो या ये 11 महीने हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ जाएगा हमको, क्योंकि हमारे जो करंट एसेट है 12 महीने के अंदर कुछ भी आ रहा है हमारे पास, कुछ भी रिलाइज हो रहा है तो हमारा करंट एसेट है। या कुछ ही समझ में आ रही है? तो इसमें ऑपरेटिंग साइकिल की कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाती है। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख एस करंट एसेट। क्लियर? ओके, तो इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं बंद, और आगे देखते हैं कि और कुछ करना है। तो आगे अब और कुछ भी नहीं करना। तो बच्चों ये था हमारा पूरा सैंपल पेपर, जो कि हमने 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट फाइनली कर लिया, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन सीबीएसई सैंपल पेपर्स। आई होप आपके पास, आपने बिजनेस स्टडीज का देख लिया होगा, आपने अब अकाउंट्स का देख लिया होगा। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आपके लिए लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अकाउंट्स के 3 पार्ट्स में डिस्कस किया, हमने ये भी निकाला कि कैसे आपसे पूछे जा रहे, पार्टनरशिप के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में घुमाया जाएगा, इस थर्ड वाली बुक के अंदर आपको रेशियोज में घुमाया जाएगा या ऑपरेटिंग साइकिल में घुमाया जाएगा, और शेयर वाले चैप्टर के अंदर आपको 4 फीचर रीइशू कितना किया जा रहा है, या फिर ये कह लो बैलेंस इन शेयर 4 फीचर अकाउंट कितना बचा है, कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर किया है, इसमें घुमाया जाएगा। तो आपको पता लग रहा होगा कि सीबीएसई ऐसी जगहों से सवाल पूछ रहा है जहां पर मेजोरिटी बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में प्रोविजन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। शेयर्स में हमारा जो लास्ट की जो एंट्रियां होती थी हमारी 4 फीचर की, रीइशू की, कैपिटलिज्म की, इसमें गलतियां होती सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा पूछा गया। यहाँ पर रेशियो से फॉर्मूले पता नहीं होते या कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये पूछा जा रहा है। तो सीबीएसई आपके वीक पॉइंट्स पे ही टारगेट करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 40 में से 40 नंबर लाना इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए, आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? तो बच्चों आपसे मिलेंगे आप अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।